नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सियासत में कुछ भी संभव है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अलग चुनाव होकर लड़ती थी, लेकिन इस बार अगला चुनाव एक होकर लड़ सकती है। इसके संकेत सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी तरह से दे दिए हैं। कारण यह है कि दोनों अपने कॉमन सियासी दुश्मन यानी कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पटखनी देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सपा बसपा मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं? गठबंधन की सियासत और सीमाओं को लेकर कई सवाल हैं। हम इन सारे सवालों पर बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम आज के मुद्दे में। कैराना, गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार से एक बात तो साफ हो गई कि विपक्षी पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ें तो बीजेपी के लिए जीत का स्वाद चखना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये बातें अब लगता है कि सियासी सुरमाओं के दिमाग में आने भी लगी हैं। मोदी के विजय रथ रोक पाने में जीतोड़ कोशिश में लगे विपक्षी दलों ने इस फॉर्मूले को अब आजमा कर भी देख लिया है। अब मोदी विरोधी इस बार बड़े तौर पर इसको आजमाना चाहते हैं। यही कारण है कि रविवार को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 2019 में बीजेपी को मात देने के लिए त्याग को भी तैयार हैं और गठबंधन में अगर उन्हें 2-4 सीटें कम भी मिलती हैं तो समझौता कर लेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2-4 सीटें कम मिलती हैं, अगर उन्हें दबना पड़ता है बसपा के साथ, तो वो दबने के लिए तैयार हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना। अखिलेश ने कहा कि हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन है और रहेगा। बीजेपी को हराने के लिए अगर 2-4 सीटों का बलिदान भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्री पोल गठबंधन के चलते हालिया उपचुनाव में जीत उनको मिली, ये गठबंधन आगे भी बरकरार रहेगा। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हालिया उपचुनाव में हर वो सीट हार गई जहां योगी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम तो कैराना या नूरपुर गए भी नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए। ये जीत बीजेपी के खिलाफ कड़ा संदेश है। इससे साफ है कि अखिलेश यादव गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनने को भी तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे अगर कुर्बानी देना पड़ेगी तो मैं कुर्बानी भी दे लूंगा, 2-4 सीटों के लिए पीछे नहीं हटूंगा, गठबंधन का धर्म निभाऊंगा और मकसद एक ही है, बीजेपी का विजय रथ रोकना। अब सवाल यह है कि गठबंधन के लिए क्या अखिलेश यादव ने मायावती के सामने अपने हथियार डाल दिए और त्याग के नाम पर उन्होंने मायावती को बड़ा पार्टनर मान लिया, या फिर अखिलेश यादव ने बयान देने में जल्दबाजी कर दी? क्या अखिलेश यादव को राजनीतिक नुकसान हो सकता है? क्या बीएसपी इसका फायदा उठा सकती है? क्या मायावती सोचेंगी कि अखिलेश यादव जब दबने की बात कर रहे हैं तो क्या वो ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगी? क्योंकि कुछ दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वो कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगी। अब सवाल यह है कि मायावती को पार्टनर बनाने से सपा को कितना फायदा होगा? अब देखना यह भी होगा कि दोनों पार्टनरों में कितनी कितनी सीटों पर समझौता होता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है, पीएम मोदी के जादू के आगे गठबंधन क्या टिक पाएगा, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड सिर्फ उपचुनाव में ही खराब रहा है। सवाल यह भी है कि आम जनता बसपा सपा गठबंधन पर क्या भरोसा करेंगे, क्योंकि दोनों का पुराना इतिहास भी जनता देख चुकी है। ऐसे में बीजेपी पुरानी बातों को भुला सकती है, साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों को भी फेरिस्ट जनता के सामने बीजेपी रखेगी। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल कई हैं जो जहन में आ रहे हैं। क्या बसपा और सपा के गठबंधन को लेकर सीटों का जो बंटवारा होगा इन दलों के बीच में, क्या सहमति बन जाएगी? लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे थे कि हम सहमति बना लेंगे, एक सवाल उठ रहा था कि जब लोकसभा चुनाव होगा
तो बीएसपी की भूमिका क्या होगी, सपा की भूमिका क्या होगी, सीट बंटवारे को लेकर क्या सहमति बन पाएगी, ये एक सवाल तैर रहे थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, दो चार सीटों को लेकर अगर दबना पड़ेगा तो वो दब जाएंगे। लेकिन इसके इतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अगर बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में अगर हो भी गया तो क्या बाकी राष्ट्र में क्या ये गठबंधन असर डालेगा बीजेपी के विजय रथ पर? क्या उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें कम भी अगर आ भी जाती है मान लिया जाए तो क्या सरकार बनाने से ये रोक पाएंगे? क्या दूसरे राज्यों में बीजेपी का विजय रथ रोक पाने में बाकी पार्टियां क्या कामयाब होंगी? क्या यूपी में जो उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव में गठबंधन का जो असर हुआ क्या आम चुनाव में वही असर होगा, या फिर केंद्र की या राज्य सरकार की नीतियां उत्तर प्रदेश में काम आएंगी? क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एके मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय गुप्ता जी हैं नेता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा जी, जिस तरह से एक सवाल उठ रहा था कि अगर बसपा सपा ये साथ में लड़ते हैं तो किसके पास क्या सीटें होंगी, क्या सीटें को बंटवारा या आपसी सहमति से कर पाएंगे या बिखर जाएंगे, इसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, दो चार सीटें कम भी मिलेंगी तो हम समझौता कर लेंगे। आसिफ आप सही कह रहे हैं, देखिए मैं ये बोलूंगा कि अगर महागठबंधन तैयार होता है या किसी भी दो पार्टियों का तो डेफिनेटली उससे पूरे रिजल्ट पे बहुत अच्छे तरीके से एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि बड़ी कठिन है डगर पंगट की। अब उसका कारण आप देखिए, अब अखिलेश यादव के पास चैलेंजेस क्या क्या है पहले आप ये देखिए। एक तो इंटरनल चैलेंजेस देखिए, इंटरनल कॉम्पिटिशन, उनकी पार्टी में उनकी फैमिली में दो फाड़ हुआ है और दोनों ही फाड़ अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और डोमिनेट करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में अगर अखिलेश यादव का ये बयान आता है तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर यह भी एक भय व्याप्त हुआ मुझे दिखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने पहल नहीं की तो जो दूसरा फाड़ है उनके चाचा जी का कहीं वो हावी ना हो जाए। इसीलिए बहुत कुछ त्यागते हुए उन्होंने अपने आप से ये प्रपोजल मायावती जी को या बसपा को ये दिया है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं यह भी उनके दिमाग में ये लगता है या सपा के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको लगता है, अब लगने लगा है कि अकेले अपने दम पे बीजेपी का सामना कर पाना उसको रोकना मुश्किल है। तो बीजेपी के सामने ये एक आत्मसमर्पण की स्थिति है, उसके साथ साथ दोहरे आत्मसमर्पण की स्थिति है कि बिना मांगे उन्होंने बसपा के सामने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जी ये तो दूसरा सवाल है कि बीजेपी का क्या रोक पाएंगे विजय रथ या नहीं। पहला सवाल तो ये है क्या अपना गठबंधन ये रोक पाएंगे, क्या उस पर सहमति बनेगी या वहीं बिखर के? क्योंकि कुछ दिन पहले मायावती ने कहा था कि अगर उनको कम सीटें मिलती हैं तो फिर वो समझौता नहीं करेंगे। मायावती या बीएसपी का अगर आप नेचर देखेंगे ना, मायावती जी का तो वहां पे ये है कि जैसे जो मायावती जी बोल रहे हैं अगर उसको सामने वाले मान ले तो हर चीज पॉसिबल है, और अखिलेश यादव जी इसी मुद्रा में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी जो हमेशा से दूर विरोधी रही है अगर वो टोटली जो है मतलब आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई है तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी नहीं करेंगी मतलब इस चीज का सम्मान नहीं करेंगी, वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डिसीजन वो अपने हिसाब से लास्ट मोमेंट तक लेंगी, और अगर उस लेवल तक ये लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये जो है इन लोगों का गठबंधन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी, क्या ये संभव है? अभी से सीटों को लेकर चर्चा होने लगी, मायावती कह रही कि कम सीटों को लेकर, सीटों को लेकर हम समझौता नहीं करेंगे, तो यहाँ तो अभी से बातें होने लगी। अब बीजेपी कह रही है कि ये तो आपस में समझौता नहीं होगा तो फिर हमसे क्या ये लड़ेंगे, हमसे क्या मुकाबला करेंगे? आसिफ भाई ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जिस बात हम जो महागठबंधन की बात की जा रही है वो पूरे देश के अंदर मूर्त रूप ले चुका है। आप केवल आप जो बात कर रहे हैं, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश के अंदर विपक्ष एकजुट हो गया है उस सरकार के खिलाफ जिसने जो वायदे किए थे वो वायदे लोगों से निभाए नहीं, और उस सरकार के खिलाफ जो तरह तरह के झूठ बोलते हैं, तरह तरह के भ्रामक प्रचार करते हैं, आज विपक्ष पूरे देश के अंदर एक हो गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, विपक्षी एकता हो जाने के बाद जो गठबंधन ये महागठबंधन बन रहा है, और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, केवल यूपी के अंदर जो बात हम कर रहे हैं अखिलेश,
जी की या मायावती जी की, मैं उनकी केवल दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर ये स्थिति है संजय कांग्रेस के नेतृत्व में। अगर ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मान लिया सपा बसपा ने अगर कुछ नुकसान भी पहुंचा दिया कुछ सीटों पर, तो बाकी देश में तो मुश्किल है, इसका असर नहीं पड़ेगा सपा बसपा का। पार्टी के जो सपा का वजूद है नहीं दूसरे राज्यों में, मैं दूसरे जगह जवाब दे रहा हूँ कि जहाँ आप देखिए कि उधर आप जाए आंध्र प्रदेश, तो वहाँ उनका गठबंधन टूट गया, शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के कगार पर है। आप ये देखें कि कौन सा ऐसा दल है जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जेडीयू के अंदर भी लगभग बात रोज आ रही है कि नीतीश कुमार जी संतुष्ट नहीं है। आप देखें पूरे देश के अंदर ये जो एनडीए का गठबंधन था लगभग ये टूटने के कगार पे या कमजोर हो जा रहा है। एनडीए के गठबंधन की बात नहीं हो रही है, यूपी के गठबंधन पर भी सवाल हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन उनको, हर किसी को राजनीतिक फायदा चाहिए। अगर फायदा मिलेगा तब तो बने रहेंगे, नहीं मिलेगा तो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए गठबंधन बनना बड़ा और बने रहना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन सवाल यह कि गठबंधन बनाकर एक पार्टी को रोकना, उसके विजय रथ को रोकना, ये गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, अपने आप को रोकना। देखिए मात्र इतना नहीं है कि केवल एक आदमी के विजय रथ रोकना है, किसके विजय रथ को रोकना है? जो सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जिनके राज के अंदर दलित के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क लगा है, आज जिनके राज के अंदर आज अल्पसंख्यक पीछे जा रहे हैं, जिनके राज के अंदर बेरोजगारी की मामला आज तक एड्रेस नहीं हो पाया है, जिनके अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपना दूध सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं, सब्जियां सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं, आज उसके खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ये देश हित में नहीं रहेगा। और ये जो महागठबंधन तैयार हो रहा है, ये देश हित में तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं देश हित में नहीं, नहीं संजय जी देश हित में, ये जनता की भावना है। नहीं, देश हित में होगा या नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको राजनीतिक वजूद का खतरा मंडराने लगा है। आप देखिए कितने राज्यों में उनकी सरकारें बन गई, जहाँ उपचुनाव हो रहा है, आप देखिए ना, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। यूपी के अंदर अभी आपके चुनाव में देखिए लगातार 4-5 चुनाव यूपी में आ रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, और आने वाले 3 चुनाव में आपके सामने स्थिति आ जाएगी। जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। क्यों खिलाफ माहौल है, मैंने आपको भी बताया कि बेरोजगारों को जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी ये सरकार दे नहीं पाई, किसानों को जो 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना था नहीं दे पाई, 2 गुना आमदनी देनी थी ये नहीं दे पाए। ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दलित को एक एहसास होना चाहिए था सिक्योरिटी का, वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि अल्पसंख्यक दबा हुआ है, जब ये सारी स्थितियां हैं तो इसके अंदर चाहे विपक्षी दल हो उसकी भी इसके अंदर जिम्मेवारी बनती है, जो जनता की आवाज है उसके साथ जुड़ करके उनको अपना कार्य करना है। लेकर उठ रहा है अगर उपचुनाव में कुछ सीटों पर अगर बीजेपी की हार भी हो जाती है तो क्या ये मान लिया जाए कि आम चुनाव में उसकी हार होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है कई राज्यों में सरकार बना चुकी है, 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी उसकी सरकार है या फिर सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में क्या विजय रथ रोकना बीजेपी का इतना आसान होगा जितना विपक्ष समझ रहा? भी कम मिलती है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन गठबंधन के आधार पर हम चुनाव आगे 2019 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को रोकना एकमात्र हमारा लक्ष्य है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, क्या महागठबंधन की सभी पार्टियों में सीटों को लेकर क्या सहमति बन पाएगी, क्या एकजुट हो पाएंगे, क्या इसमें तोड़फोड़ नहीं होगी, और क्या पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं क्या वो इसको लेकर उनके अंदर सहमति बन पाएगी, क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा दिया तो क्या केंद्र में सरकार बनाने से ये रोक सकते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब हाथ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, संजय गुप्ता जी हैं नेता कांग्रेस, और साथ ही AK मिश्रा जी हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। AK मिश्रा जी, जिस तरह से हम कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में मान भी लिया, अगर नुकसान पहुंचा भी दिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी या बसपा, उसका बसपा का तो कई राज्यों में थोड़ा बहुत है राजनीतिक, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो दूसरे राज्यों में बिल्कुल वहां पर असर नहीं पड़ेगा। पूरे
से नेशन के लिए अगर देखा जाए 2019 के इलेक्शंस का, तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप जो पैदा हुए थे 30-40 साल पहले जो राजनीति में, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही ना कि हम लोगों के गांव में जैसे एक कहावत है कि भाई थोड़ा सा इनको मिल गया, ये केवल अपने स्टेट तक ही जो है लिमिटेड रहे। 30-40 साल पॉलिटिक्स में होने के बाद भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन नहीं किया, जिसका जो है आज नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, चाहे सपा हो और बसपा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वंदना सिंह जी है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनको कम सीटें भी मिलती हैं, वो कम सीटों पर भी समझौता कर लेंगे, क्या समझौता करने को तैयार है समाजवादी पार्टी? देखिए, देश के हित के लिए और यहाँ की जनता इतनी परेशान है, उनके लिए ये समझौता अगर वो करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मायावती जी वैसे भी बड़ी है अखिलेश यादव जी से, इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर एक दो सीटें आगे पीछे होती हैं तो, और ना ही इसमें किसी कार्यकर्ता को ना ही किसी पार्टी मेंबर को इसमें कोई तकलीफ है। मुझे नहीं समझ में आता दूसरों को क्या तकलीफ हो सकती है इसमें। अब ये हमारा आपस का मामला है, नहीं ऐसा तो नहीं, जल्दबाजी तो नहीं कर लिया आप, क्योंकि बीएसपी की तरफ से हो रहा है कि सीटों को लेकर। जी नहीं, हमारा मकसद है इस सांप्रदायिक पार्टी को हराना जी। 40-30 तो ये नंबर अभी बोल रहे हैं लोग, देखिए जब ये बैठ के फैसला होगा तो फैसला हो जाएगा, 2-3 सीटें प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप, लेकिन इतना आसान नहीं अभी से लेकर सीटों को लेकर चर्चा होने लगी। वो कह रहे हैं सीटों को लेकर हम समझौता नहीं करेंगे, सपा कह रही कि हम कम कर लेंगे, कैसे बनेगी सहमति? बड़ा मुश्किल है। ये सब चर्चाएं हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक बार फैसला हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे कौन कहां से लड़ रहा है। कुछ सीटों में समझौता हम करेंगे, कुछ में वो करेंगे, समझौते इसी तरह होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है वंदना जी, अखिलेश यादव अपने आप को जूनियर के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं पड़ा आपने क्या कहा। अखिलेश यादव जी इस तरह से अपने आप को जूनियर के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं कि हम समझौता कर लेंगे, हम कम कर लेंगे? नहीं, उनका कहने का तात्पर्य नहीं, इसका फायदा तो दूसरी पार्टियां उठा सकती है कि समाजवादी पार्टी जब खुद कह रही है कि हम कम सीटें ले लेंगे तो वो तो चाहेंगे कि उनको ज्यादा मिले। देखिए, राजनीति में सब चाहते हैं कि उनको ज्यादा मिले। उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने एक इज्जत दी है मायावती जी को, जो उनसे उम्र में भी बड़ी है, राजनीति में भी वो है। और अखिलेश जी अभी उसे बहुत पूरी जिंदगी पड़ी हुई, पूरा पाला पड़ा हुआ है इसके लिए, राजनीति के लिए। तो अगर उन्होंने उनको इज्जत दी है एक बड़े होने के नाते, इसमें कोई, लेकिन वंदना जी इसमें कोई अर्थ निकालना चाहिए। वंदना जी, राजनाथ सिंह कहते हैं कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। उपचुनाव अगर हार गए तो इसका मतलब ये ना सोचे कि आम चुनाव भी हम हार जाएंगे, पूरी रणनीति के साथ उतर रहे हैं हम। चलिए, हम लोगों ने राजनाथ सिंह की सलाह ले ली, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे, फिर हम लोग उनकी सलाह से क्या वंदना जी, आपको ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव और आम चुनाव दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है? उपचुनाव में अगर आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम चुनाव में भी आप जीत जाएंगे। वो अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं कि आपकी रणनीति में कुछ तब्दीली होगी। वो तो आने वाला वक्त बताएगा और इस बात का फैसला तो जनता करेगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो हालात है इस वक्त देश में वो किसी से छिपे नहीं है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, सिवाय जुमलों के और वादों के यहाँ कुछ नहीं है। सब कई लोग तो भूखे पेट भी सोते हैं, तो कितने दिन इनके भाषण सुनेंगे, कितने दिन इन लोगों की बातों में आएंगे, बहकावे में आएंगे। अब जनता चाहती है कुछ ना कुछ उसको उसका रिजल्ट मिले, जो वादे किए गए। चलिए, उनके वादे अपने हैं, आपके वादे अपने हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं किए, आपका अपना कहना। जो भी वादे होंगे बड़े वास्तविक वादे हैं। वंदना जी, सवाल इस बात को लेकर है, अकेली बीजेपी से इतना डर क्यों कि सारे वो लोग एक साथ आ गए जो माना जा रहा था कि कभी चुनाव में ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं होंगी, इतना डर? नहीं, आप इसको डर कहते हैं, लेकिन हम इसको जनता की पुकार कहते हैं। जनता चाहती है कि हम एक साथ जुट होकर निकले, और हम सब लाइक माइंडेड पीपल हैं, जितनी पार्टियां हैं लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज हैं, तो अगर हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कौन सा ऐसी आश्चर्य की क्या बात है? लोकतंत्र में अधिकार है आपका, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे? अब ये तो विधानसभा जब आएगा तब देखेंगे। वो तो वही हाल हुआ ना कि आप तो पूछ रहे हैं कि अब आप पुल के ऊपर से जाएंगे कि नीचे से जाएंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम इस बात का फैसला करेंगे कि ऊपर से जा रहे हैं कि नीचे से जा रहे हैं। चलिए, लेकिन सबको इंतजार रहेगा, जनता भी जानना चाहती है कि, और जो उन पार्टियों से जुड़े वो भी जानना चाहते हैं। एक तरफ आप कहती है कि जनता
चाहती है कि ऐसा हम करें, दूसरी तरफ आप जनता को कुछ बताना भी नहीं चाहते, छुपाना चाहते। नहीं अभी तो विधानसभा के तो बहुत दिन है, अभी तो लोकसभा है, अभी लोकसभा की तैयारी है। कहा जा रहा कि कहां तक ये जाएगा आपका रिश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सब अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। ए के मिश्रा जी आपको बीच में मैंने रोका और साथ ही वंदना जी की आपने पूरी बात सुनी। देखिए दो तीन चीजें बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं आपको बता दूं। अभी वंदना जी जैसे बोल रही थी कि हम सब लाइक माइंडेड है, लाइक आइडियोलॉजी है, तो हर बार आप लोग चुनाव क्यों अलग अलग लड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये देखूं कि क्या दोनों लोग अगर एक साथ होते हैं तो ये चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। स्ट्रेटजिक कैपेसिटी की, रणनीतिक दक्षता की अगर बात किया जाए तो पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत सोच समझ के ही कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने भी ये डिसीजन लेते हुए कि मतलब पूरे होशो हवास में डिसीजन लेते हुए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये रणनीतिक रूप से एकदम ठीक है। दोनों ने जो है समझौता किया था, सीटों का बंटवारा किया, वहां पे कांग्रेस ने भी ऐसे ही सीटों का समझौता किया था जो आज अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है ना कि केवल समझौता कर लेने से, सीटों का बंटवारा कर लेने से युद्ध जीता नहीं जाता है, उसके लिए इंडिविजुअल रणनीतिक दक्षता भी चाहिए। दूसरी चीज आसिफ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बार बार क्यों किसी पार्टी को, चाहे सपा हो या बसपा, बैसाखी की जरूरत आज क्यों पड़ रही है उनको बीजेपी के सामने। इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस, तीन तीन चार चार बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने रूल किया है, तो क्या आज राजनीति ऐसी हो गई है, इतनी टफ हो गई है कि इन लोगों की कैपेसिटी के बाहर चली जा रही है, ये लोग समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। कुल मिला के इनको एक ही आसरा दिख रहा है कि कैसे भी आप इस तरफ बैसाखी लगा लीजिए और इस तरफ दोनों तरफ गठबंधन की बैसाखी लगा लीजिए। अपनी क्षमता पे इन लोगों को भरोसा नहीं है क्या? मेरा सलाह तो यह है कि बेटर अपनी रणनीतिक दक्षता को बढ़ाने के लिए आप काम करें, उसी के कारण आपकी पार्टी आगे ग्रो कर सकती है। बैसाखी से ठीक है, इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी चीज आप ये देखिए, सारा मुद्दा इनका ही बन गया है कि भाई बीजेपी को रोकना है, हराना है, डेवलपमेंट के मुद्दे सारे और मुद्दे चाहे रिजर्वेशन का हो वो सब फीका पड़ गया। और एक चीज जोड़ दी इन्होंने साथ में, बीजेपी कहती देश हित में हम कार्य कर रहे हैं और ये सारी पार्टियां कहती कि देश हित में जरूरी है बीजेपी को रोकना, मतलब एक दूसरे को रोकना ही देश हित में है। क्या ये सारे देश विरोधी काम कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि सारे राजनीतिक दल के देश विरोधी काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती इनको रोकना देश विरोधी कर रहे हैं, अब वो कहते हैं रोकना देश हित में। कौन देश विरोधी है, कौन देश का? मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि ये जो इलेक्शन होता है ना, ये वो दो महीने की जो आंधी चलती है ना, उसमें विकास वगैरह का मुद्दा फीका पड़ जाता है। सारी पार्टियां, आप किसी से पूछो देशभक्त कौन है जी, उनको छोड़ के और कोई देशभक्त है ही नहीं इस देश में, कोई दूसरी राइवल पार्टी का आदमी देशभक्त है ही नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी भी बोलती है कि विकास हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, सारी पार्टियां ये बोल रही है। देखिए कॉन्क्रीट मुद्दे पे बात करना। मिश्रा जी माफी के साथ आपको फिर से एक बार रोकना चाहूंगा। राघवेंद्र दुबे जी नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है राघवेंद्र दुबे जी। एक सवाल उठ के आ रहा कि आप कहते हैं कि देश हित में जरूरी है बीजेपी को रोकना, इसलिए एकजुट हो रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं और वो हमें रोकना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता कि आप देश हित में सारे दल एक दूसरे को रोक रहे हैं, तो क्या राजनीतिक दल देश विरोधी काम कर रहे हैं? देखिए बीजेपी प्रमाण पत्र बांट रही है कि जिस तरीके से कि कोई भी बात होती है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं और दूसरे देश हित में नहीं कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में सत्ता बनाने का काम होता है तो ये पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जो आतंकवादियों को भी शहीद बताती है। तो सत्ता के लिए ये कुछ भी करें वो ठीक है, अगर कोई दूसरा इनकी अगर मंशा के अनुरूप कोई बात न करे, इनकी मंशा के अनुरूप कार्य न करे, कोई इनका विरोध करे तो उसे देशद्रोही ये ठहराने लगते हैं। इन्हें इसलिए प्रमाण पत्र पर बांटने की जरूरत नहीं है देशभक्ति की, ये मात्र संस्था इनकी आदेश है। राघवेंद्र दुबे जी सिर्फ बीजेपी ही नहीं बाकी दलों को भी प्रमाण पत्र बांटने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी देश विरोधी काम कर रही है या कौन सा दल देश विरोधी काम कर रहा है, ये तो सर्टिफिकेट सिर्फ देने का काम जनता पे छोड़ दीजिए आप लोग। नहीं जनता पे तो ये छूटा हुआ है, लेकिन यही लोग तो बताते हैं दूसरे पार्टियों को, हम लोग तो नहीं इनको कहते हैं, लेकिन ये लोग जरूर है, हम लोग इन्हें जरूर बताने की कोशिश ये जरूर करते हैं। नहीं, अगर हम कहीं जो गठबंधन हो रहा है राघवेंद्र दुबे जी, जो गठबंधन हो रहा है वो कह रहा है कि बीजेपी को रोकना जरूरी है, ये देश हित में है। देश की जनता यही तो जानना चाह रही कि देश हित में है क्या।
देश हित में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जहां इनके विधायक बलात्कार करते हैं, पुलिस सेंगर करते हैं उन्नाव में, और कुशाग्र आरोप तो आपके नेता के ऊपर भी लगा था मंत्री नहीं, तो दूसरा एक और है जब कठुआ आपकी सरकार में मंत्री थे, ये आरोप तो उनके ऊपर भी लगा था, वो तो विधायक है, आपके तो मंत्री के ऊपर लगा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कठुआ में एक मासूम बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो इनके जम्मू कश्मीर के मंत्री इनके पार्टी के बीजेपी के रैली करते हैं, ऐसा कभी आपने इतिहास में सुना है कि बलात्कारियों के पक्ष में कोई रैली हुई हो? लेकिन ये लोग करते हैं, तो इसलिए इन लोगों से हमेशा कहते हैं कि केवल देश हित की बात हर चीज में जोड़ करके आप अपने पापों से बच नहीं सकते हैं। जनता है, इसे सब कुछ दिखता है, और इसके लिए आपको विकास करना पड़ेगा। विकास बिना विकास के, आप सोचो चुनाव के समय आप राम मंदिर लाएंगे, चुनाव के समय आप हिंदू मुस्लिम लाएंगे, चुनाव के समय राघवेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। अशोक सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे दल एक ही बात कह रहे हैं, जो गठबंधन कर रहे हैं यूपी में, उनका कहना कि एक साथ चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, बीजेपी को रोकना जरूरी है, देश हित में है। ये देश हित में क्यों मान रहे हैं बीजेपी को हराना? देखिए, किसके हित में है? देश हित में है कि इनका अपना अस्तित्व बचाने के हित में। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अब से पहले जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होता था तो ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ाई में नहीं है। अब स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं इनको लड़ना मजबूरी हो गया है, क्योंकि देश हित में नहीं, इनको अपनी पार्टी हित में लड़ना है। नहीं, अशोक जी क्या बीएसपी सपा, क्या ये आपको सब छोटी मोटी पार्टियां लग रही हैं? इतने बड़े राज्य में इन्होंने सरकारें चलाई, आपको छोटी मोटी पार्टी लग रही है? देखिए, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सारे नहीं तो कहा अभी छोटी मोटी पार्टियां, सुन लीजिए, मैंने बोला अन्य छोटी मोटी पार्टियां, आपने भी शायद सुना नहीं, मैंने बोला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटी मोटी पार्टी, ठीक है, आगे बात रखिए, जिसमें आरएलडी भी होता है। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि बड़ी पार्टी है तो क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में इतनी कुव्वत नहीं मिलती कि सामने सामने सीधे सीधे चुनाव लड़के बीजेपी को हरा सके? इसका मतलब जनता हमारे साथ है, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से हम से कोई अकेले नहीं लड़ सकता है। तो लोकतंत्र में गठबंधन का अधिकार है, आप भी गठबंधन के आधार पर लड़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में पटखनी दी, आम चुनाव में भी हम एकजुट हैं, अगर सीटें थोड़ी बहुत कम करना पड़ेंगी कर लेंगे, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, शून्य तक पहुंचाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अशोक जी, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है। राघवेंद्र दुबे जी आप बने हमारे साथ, अशोक जी को सुना, जवाब दीजिए। राघवेंद्र दुबे जी भी, चलिए आपका भी संपर्क टूट चुका, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों, अशोक जी का और राघवेंद्र दुबे जी का हमसे बातचीत करने के लिए। संजय जी, क्या इतना आसान है सारे दल एकजुट हो जाएं और चुनाव लड़के फिर बीजेपी का विजय रथ रोक लें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी भी लहर चल रही है, बीजेपी मान रही है। कर्नाटक में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, बीजेपी की सीटें बढ़ी। थोड़ा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जो पिछला चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा एनडीए ने, 40 दलों का वो गठबंधन था। आप जो कहना चाहते हैं बीजेपी का अकेला विजय रथ रोकने की बात चल रही है, ये लोग 40 दलों का गठबंधन था जिसमें से 5 या 7 छोड़ के भाग गए। अब जैसे टीडीपी है वो आंध्र प्रदेश में छोड़ के भाग गया, शिवसेना छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार है, महाराष्ट्र के अंदर ओपनिंग के रोज बयान आ रहे हैं। पीडीपी के साथ जो गठबंधन है वो आज सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह का विचारों के ठीक विपरीत लोगों से सत्ता हासिल करने के लिए केवल गठबंधन वहां पे किया गया है। तो बहुत से जगह आपके साथ भी, तो यूपीए के साथ भी गठबंधन भी गए, मैं सर यूपीए के साथ जो पार्टियां थी वो भी गई, ये तो चलता है। हमारे साथ आप बताओ कौन सी गई, जुड़ रही है, गई कोई नहीं, आ रही है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, 40 दलों का यह गठबंधन था, केवल एक भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं था, पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो ये महागठबंधन बन रहा है इसके अंदर कॉमन मिनिमम एजेंडा है। आज क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है कि जो गैर सांप्रदायिक सोच के जो दल हैं वो इस महागठबंधन में आना चाहते हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है और पहले भी वो साथ थे,
मगर और मजबूती के साथ और दल मिलकर के आपस के अंदर इकट्ठे होकर के इसी कॉमन एजेंडा का फायदा बीजेपी उठा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इसमें बुराई क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी के 40 दल हो तो कोई बुराई नहीं है, और अगर महागठबंधन विपक्ष बनाने लगे तो बहुत सारी इसमें कमियां दिखाई देती हैं। सर जो आप एक मिनट भाई साहब बुराई वहां लोगों को लगती है, मेरे सवाल जनता वहां कंफ्यूज हो जाती है जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो एक दूसरे को कोसती हैं और कहती है भ्रष्टाचार ये बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन्होंने राज्य को पीछे कर दिया, राज्य को लूटा, एक दूसरे को आरोप लगाते लूटने का, और फिर एक साथ हो जाए। जना मैं इसका जवाब दे दूंगा, पहले इससे पहले बताऊंगा कि जिस तरह से महागठबंधन में आप देखें नीतीश कुमार जी ने जेडीयू हमारे साथ चुनाव लड़ी थी, किस तरह से बीजेपी ने उसको तोड़ के वहां पर सरकार बना ली, किस तरह गोवा में बना ली, किस तरह पे मणिपुर में बना ली, उस पर तो प्रश्न नहीं उठ रहा। दूसरी बात यह बात है कि ये लोग ये प्री पोल अलायंस में जा रहे हैं, ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं होने जा रहा है। ये तय किया गया है कि चुनाव से पहले हमने रणनीति तय करी है, और इस देश के अंदर यही जहां बहुत सारी पार्टियां होती है, बहु पार्टी व्यवस्था होती है, उस बहु पार्टी व्यवस्था के अंदर जरूर दो या तीन दलों का हमेशा साथ आना पड़ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे अलायंस किए हों, चाहे ये सारा अलायंस यहां पर हो रहा है, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और बड़े दिल की बात है जो अखिलेश जी ने कहा कि हम सीटों के ऊपर झगड़ा नहीं करेंगे, हम बड़े दिल के साथ, बड़े विचार के साथ, खुले मन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और मायावती जी को भी पूरा मौका मिलेगा, उनको भी पूरा मौका मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा, और उसके अलावा जो समान विचारधारा वाले दल हैं उन सबको इकट्ठा करके ये अलायंस बनेगा। और आसिफ भाई मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस देश की और समान दोनों विचारधारा, समान विचारधारा कब से हो गई, सपा बसपा को बसपा सपा को कहती है दोनों एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, दोनों ने राज्य को पीछे कर दिया, दोनों ने भ्रष्टाचार जो है बढ़ा दिया, दोनों के उसमें कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई, ये एक दूसरे के ऊपर पार्टियां कहती थी, आज कैसे समान विचारधारा हो गई, लेकिन इनको राजनीतिक वजूद जो उनका खो रहा है, नुकसान हो रहा, वो डर सता रहा है। आपने भी चलाया था, नहीं गलत है, उत्तर प्रदेश बिहार चाहूंगा कि जो जुमलेबाजी की सरकार है, जो 15 लाख रुपए देने की सरकार है, जो पेट्रोल के अंदर जिन्होंने कहा था 40 से 45 रुपए देंगे, आज पेट्रोल और डीजल के क्या भाव कर दिए हैं, जो बैंक घोटालों का पैसा लोग लेके देश से भाग गए, जो जीएसटी इन्होंने लागू किया, जो नोटबंदी इन्होंने लागू की, जिस तरह के जनता के विरोधी फैसले इन लोगों ने लागू किए भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल जुमलों पर बात करी। जब आप विकास की बात करेंगे ये कहेंगे गड्ढा भर रहे थे, जब आप पूछेंगे काम कब पूरा हुआ, ये 100 सिटीज कब बनेगी, 2022 में बनेगी, जब आप उनसे पूछेंगे कि अगर हर गांव में बिजली पहुंच गई क्या, कहते 2022 में पहुंचेगी, अरे भैया 2022 में तुम्हें मौका मिलेगा जब ही तो पहुंचेगी, 2019 के अंदर महागठबंधन जीत के आएगा और उसके अंदर एक अच्छी व्यवस्था है। और देखिए जब एक बार आपने टर्न दिया, देश की जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो असफल रहे, उनके जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप बता दीजिए अच्छे दिन आए क्या, गुप्ता जी किसके अच्छे दिन आए सिवाय व्यापारियों के, संजय गुप्ता 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने व्यापारियों की बात मैंने मान ली, आपकी बात मान ली अच्छे दिन नहीं आए, ठीक है, ये सवाल मैं तो भी लगातार बीजेपी से पूछता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बीजेपी लगातार राज्यों में सरकारें नहीं बना रही है? नहीं, बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर कभी नहीं बना है क्या वहां सरकारें नहीं बनाई, क्या कर्नाटक में उनकी सीटें नहीं बनी, क्या गुजरात में दोबारा सरकार नहीं बनाई, क्या हिमाचल में आपको नहीं हराया, उत्तराखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कहां से फिर जीत मिल गई? बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा प्रश्न आसिफ भाई आप कर रहे हैं, ये जो सारी चीज मिल गई, देखिए उनके अध्यक्ष हैं अमित शाह साहब, और वो जिस तरह का वो जो जादू चलाते हैं, जिस तरह का झूठ चलाते हैं, जिस तरह की ब्रांडिंग चलाते हैं, ये तो सच्चाई है कि लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, मगर वो विश्वास की कलाई अब खुल गई है कि जब लोगों को 80 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, 70 रुपए डीजल, 75 रुपए डीजल भरवाना पड़ रहा है, उनकी कलाई खुलकर सामने आ गई है। उनके जितने विकास के वायदे थे, विकास के नारे थे, अच्छे दिन के नारे थे, आप देखें चीनी का आयात क्या हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान से चीनी आयात कर रहे हो, और देश के अंदर चीनी के जो हम उत्पादक हैं आज वो व्यापार मरने को तैयार है, किसान का 6 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। आप ये देखें किसान को जो 1.5 गुना समर्थन मूल्य की बात थी, रोज आलू और दूसरी सब्जियां ले जाकर किसान सड़क के ऊपर डाल रहा है, दूध सड़क के ऊपर बहा रहा है, अरे कहां गई ये सरकार, कहां गई इनकी संवेदनशीलता? तो आज विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती है, आप मुझे बताएं ये बात, अगर आप एक जगह चुनाव जुड़ गए देश के अंदर ज्यादातर चुनाव, ये तो देश की जनता के विरोधी काम करेंगे, ये तो देश की जनता तय करेगी
कि सरकार ने काम किया तो या नहीं किया, ये विपक्ष अपना चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन अपना चुनाव लड़ेगा, ये विपक्ष तय नहीं करेगा, राजनीतिक दल अपना काम तो करेगा ना, आपस में इकट्ठे हो जाने के महागठबंधन बनाने में, बताइए कौन सा गैर कानूनी काम हम कर रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठा कर एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इकट्ठा उतार रहे हैं और उनको मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कॉमन एजेंडा है, तो बताइए इसमें क्या गलत है? और ये पहली बार हो रहा है इस देश में, ये किसने कहा गलत, ये तो कोई नहीं कह रहा गलत। तो हम इसके अंदर लड़ेंगे और जनता के अंदर विकल्प हम देंगे और उस विकल्प के अंदर बताएंगे कि ये जुमलों की और झूठी सरकार है, इन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं कहे, मिश्रा जी का विकल्प है, तय कौन करेगा? क्या सरकार ने काम नहीं किया, ये विपक्ष तय करेगा। और क्या दूसरा सवाल ये, क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, उनके पास जो जनता का विश्वास था वो इतना कम हो गया विपक्ष को दिख रहा है, क्या उनकी मजबूरी है एक प्लेटफॉर्म पर आना, कमजोर कमजोर सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे, क्या उनको दिखाई दे रहा है कि हम अकेले नहीं चल पाएंगे इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं? आसिफ, आपका पहला जो सवाल है ना कि ये तय कौन करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा इनोवेटिव है। देखिए हो सकता है सवाल तो ये मेरा ये भी है कि कमजोर कमजोर सब मिलकर मैं आपको बता रहा हूँ विकास हुआ कि नहीं हुआ ये कौन तय करेगा। ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई जनता तय करेगी, मैं बोलता हूँ जनता भी तय नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें बदल गई है। ये एडवर्टाइजमेंट और प्रोपोगंडा किस तरीके से किया जाता है विकास का, ये वो मैकेनिज्म तय करता है जिससे कि पूरी जनता कन्विंस होती है कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो कन्विंस हो गई विकास हुआ है तब तो तय हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई विकास हुआ है। दूसरी चीज जो आपने बोली कि सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, 101%, देखिए मैं आज भी बोलता हूं कि बीजेपी के पास अगर नेशनल लेवल पे किसी भी पार्टी के पास स्कोप है पूरे देश की कमान संभालने के लिए वो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस का प्रेजेंस, कांग्रेस का स्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह बना है। ये अपनी उस खूबी को नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप को पूरा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करके एक एक जगह से मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये केवल और केवल कभी इनके सहारे कभी उनके सहारे जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां और होती, सपा बसपा का तो मैं सोच ही नहीं सकता क्योंकि वो यूपी तक लिमिटेड है, या दूसरी और जो पार्टियां हैं वो अपने स्टेट तक लिमिटेड है। मेरे कहने का मतलब यह है डेफिनेटली ये इनकी स्ट्रेटजिक कमजोरी है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उसको मजबूती दी जाती है और कंपटीशन से लड़ने के लिए कैसे उसको स्किल्ड किया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि मिश्रा जी क्या ये गफलत में आ जाए, ये गफलत आज की नहीं है, गफलत बहुत पहले की है, अगर गफलत पहले की नहीं होती तो किसानों को साथ में लेकर चलते, ये चार साल में किसानों की हालत नहीं हो गई जो अब कांग्रेस गिनाती है। आसिफ देखिए मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दें, चुनावी हार जीत जितने नेता हैं सबसे पहले या पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना बेनिफिट देखती हैं, इतने लेकुना रहे हैं, आप चार साल की बात छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूं 70 साल का आप ले लीजिए, जापान एक ऐसा देश जहां कोई मिनरल और ये सब चीजें नहीं होती हैं, इतना आगे निकल गया। अगर हमारे यहाँ नेता लोग प्लानिंग में और इन चीजों में इतना दक्ष होते हैं ना तो हम भी जापान वगैरह या डेवलप्ड कंट्री, 70 साल का टाइम बहुत होता है आसिफ, वो विकास और डेवलपमेंट का तो मुद्दा ही आप हटा दो। मैंने आपको बोला 1-2 महीने पहले जो शमा बांधते हैं ये पॉलिटिशियन लोग, देखिए इनका काम क्या होता है, जो नेताओं का दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, विकास वगैरह तो वो होते रहते हैं, नहीं होंगे कम ज्यादा होंगे। बिल्कुल, एक मिश्रा जी मुझे एक बात याद आ रही, जैसे आप कह रहे हैं कि समा बांधते हैं, इस तरह से जादूगर नहीं होते लास्ट वक्त में जो है जादू कर देते हैं कि पेट में दर्द हो जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए, तुरंत पैसा फेंक देते हैं, ऐसे ही माहौल अब बनाया जाता है। हर वक्त सारे पॉलिटिशियन ने यही किया है, आप कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए, अगर सपा है बसपा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं अब देखिए अब ज्यादा ये हो रहा है, ये देखिए अपनी अपनी स्ट्रेटजिक रणनीति है, जिस टाइम कांग्रेस मजबूत थी तो उनके भी मुद्दे आप देखेंगे तो मुद्दे तो इसीलिए होते हैं ना कि मुझे वोट मिले और कैसे भी करके मुझे वोट मिले, उसके लिए डराना कुछ भी करना, ऐसा परसेप्शन बनाना कि भाई विकास नहीं हो रहा है, अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो चांद तारे भी कोई तोड़ के ले आ दे तो आपको विकास नहीं दिखेगा, वो चाहे बीजेपी के, यही बीजेपी जब कांग्रेस के टाइम में अपोजिशन में बैठती थी तो बीजेपी वाले भी बोलते थे कि विकास नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अब यही क्वेश्चन उनको जो है झेलना पड़ रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा एक ये होता है कि इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाए, 100% जो है विकास के जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर होते हैं उन चीजों पे लड़ा नहीं जाता है। 2-3 महीने पहले देखिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, इसका डायनामिक्स, इसका प्रिंसिपल स्पेशली इंडिया में तो टोटली डिफरेंट है, केवल इंडिया ही नहीं आप अमेरिका में भी देख लीजिए,
ये एक साइकोसोमेटिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें साइकोलॉजी मनोभाव बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में भी अगर मेन मुद्दा था तो वहां पे लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्टीम्ड चीजों को फोकस वहां पे किया गया। मनोभावनाओं से पूरा ये जोड़ा जाता है। कभी मनोभावना कैसे जोड़ेंगे कि जी ये जाति का, ये धर्म का, इस तरीके से जो साइकोलॉजिकली डीपली इंपैक्ट करते हैं और क्विक करते हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। अब भारत की राजनीति में भी चुनाव भी रातों रात बदल जाता है। अब बुनियादी मुद्दों को लेकर जिक्र नहीं होता, अब तो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, तो फिर विकास कहां रह जाता है। लेकिन विपक्ष अभी भी तय करने को तैयार है कि विकास नहीं हुआ है, सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार का कहना कि जनता सब जानती है, वही दा हम बातचीत कर रहे हैं। क्या महागठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है, क्या वो बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा? कई राज्यों में सरकार बन रही है, एक के बाद एक 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं और उन्होंने नारा दिया था कि हम 2020 तक कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के कई शासित राज्य थे जहां से उनकी सरकारें जा चुकी हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का महागठबंधन बना और अब सपा कह रही कि कुछ सीटों के लिए हम समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, क्या पूरी तरह से उन्होंने नियत बना चुके हैं वो बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए? क्या उनकी नियत और उनकी नीति बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या जो विरोधी विचारधारा के थे, क्या आज समान विचारधारा के हो गए या सिर्फ ये एक दिखावा है? क्या इनको खुद दिखाई दे रहा है कि इनका राजनीतिक वजूद काफी खतरे में है, अपने आप को बचाने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं, या फिर वास्तव में इनको फिक्र है कि बीजेपी सही दिशा में काम नहीं कर रही है? दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संजय गुप्ता जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता जी, 27 साल यूपी बिहार यह आपका नारा था उत्तर प्रदेश में, और यूपी बिहार उसमें समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, उसमें बसपा की सरकारें रही हैं। अगर 27 साल बिहार था, उन बिहारियों के साथ क्यों खड़े हैं आप? मैं फिर वही आपसे बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो साथ वाली बात है, जहां बहु पार्टी व्यवस्था होती है, आपको जरूर कुछ पार्टियों को उसमें आपस में इकट्ठा होना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि आप अकेले रह करके या आप दूसरी पार्टियों को अछूत माने, इस राजनीति के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको दूसरी बात, मैंने उदाहरण दिया, आप बड़ी सी बात कह के आगे बढ़ रहे हैं, छोटी सी बात, जिस तरह बड़ा सवाल छोटी सी बात कह के आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति में जब अपने साथ होते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है? मैं सर वही आपकी बात कर, नहीं तो दूध के धुले हो जाते हैं आपकी बात, और जैसे वो विरोधी होते तो वो पापी होते। मैं आपकी बात का वही, आपके साथ नजरिया दूसरा, आपके खिलाफ नजरिया दूसरा। मैं भाई वहीं आ रहा हूं कि राजनीति में परिभाषा अपने आप गढ़ लो, बना लो। मैं सर बता रहा हूं ना, जहां पीडीपी का आप देखिए कि जहां विचारधारा किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी की नहीं मिल खाती, वो लोग पत्थर मारने वाले लोग हैं, ये सेना के साथ वाले कहने का दम भरते हैं। ये कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, ये कहते थे कि कोई पत्थर मारेगा तो हम उसको जवाब देंगे, ये पाकिस्तान को कहते थे कि एक सिर कटेगा 10 सिर लाएंगे। तो दोनों की विचारधाराएं दूसरी हैं। आप भी तो यही कहते थे उत्तर प्रदेश में कानून, उसके बावजूद भी खट्टे उनपे तो प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप भी तो यही कहते थे कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई। मैं आ रहा हूं, किसानों का बुरा हाल है। आप 2 मिनट प्लीज मुझे, अपराधी देखिए किस तरह से थाने चला रहे हैं। 2 मिनट में आपकी पूरी बात समझा देना चाहता हूं कि ये बहुपार्टी व्यवस्था है, और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुपार्टी व्यवस्था के अंदर जो ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हुई है, ये फैक्ट आज यहाँ छुप रहा है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का रथ, मैं बता रहा हूँ ये बहु पार्टियों का रथ है, 40 दलों का रथ है, ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं है। और जो ये गठबंधन होने जा रहा है उसमें 40 दल नहीं है, 40 से कम दल हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज असल में बेचैनी विपक्षियों के अंदर नहीं है, आज बेचैनी जनता ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इनके दलों के अंदर है, दल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह से ये अमित शाह और 40 चोर की टीम है, इस अमित शाह और 40 चोर की जो टीम ठगों की है, इनकी कलाई असल में इस देश के अंदर खुली है। मालूम चला है किस तरह से इन्होंने जो वायदे किए थे, जो जुमलेबाजी की थी, जिस तरह का इनका एक चरित्र है वो जनता के सामने आया। जो वायदे इन्होंने किए थे, किसी भी एक वर्ग को इस देश के अंदर कोई बेनिफिट ये सरकार देने में विफल रही है। इन्होंने एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो रिलीज किया था, हम चैलेंज करना चाहते हैं, चर्चा आज होनी चाहिए उस 4 साल के उस मैनिफेस्टो के ऊपर,
जरा सरकार में अगर मैनिफेस्टो आप भी अगर अपना पूरा कर देते तो 70 साल में हमने काम किया, हमने जो मैनिफेस्टो दिया समय समय जो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो कौन से राजनीतिक दल ने पूरा किया है भाई? बड़ा बड़ा सरल है इस देश में ये कह देना उन्होंने 70 वर्षों में क्या किया। आप मुझे बताइए जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज आज बड़ा अच्छा है एक टेबल के ऊपर बैठ के मैंने एनालिसिस करें, एनालिसिस करने से देश नहीं चलता, भारत वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ होती हैं, तक उसकी अर्थव्यवस्था आपके पास इजराइल कहाँ तक पहुँच चुका है, दूसरे राज्यों से दूसरे देशों से भी तो तुलना कर मुझे सर काम हम भी करते हैं, कितने लोग टैक्स पे रहे हैं आप मुझे बताइए। अरे तो आपने क्यों नहीं जोड़ा, 70 साल में बात करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया? अमेरिका में ये हो रहा है, पैरामीटर तो आपको पता है सर, वहाँ सरकारों ने वो पैरामीटर बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने कितने नेताओं को सोनी पे चढ़ाया जो भ्रष्टाचार किए हैं? आप मुझे बताइए, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ जिन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, आप आपने क्यों उन लोगों को सोनी पे चढ़ाया? बड़ा बड़ा प्यार से एनालिसिस करते हैं, कोई दल काम नहीं कर रहा। अरे भैया कोई दल ने काम नहीं किया सर, मैंने ये नहीं बोला है, पहुंच गया क्या? मैंने बोला काम किया है, लेकिन इन 70 साल की बात, आप ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करेंगे तो जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं किया है। मैंने कब बोला कि काम नहीं किया है? मैंने ये बोला है कि जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने क्या करा इतनी आपकी जो गई 50 साल की वजह, आपने क्या काम किए? मेरी 50 साल की और कांग्रेस ने घोटाला किए हैं 19 ट्रिलियन का है, बड़ा ज्यादा घोटाला हुआ है 70 साल में सर, ये डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। आपके लिए प्रोग्राम आदमी काम करता है, देखिए व्यक्तिगत आप तो बोल रहे हो और हम ही काम करते हैं, मैंने क्या बोला? मैंने तो बोला ये आप तो बोल रहे हो ना, आपके एनालिसिस आपकी बड़ी सही थी, कांग्रेस की जो पूरे तौर से साफ हो गई सर, आप एनालिसिस इलेक्शन में दिखाओ ना, आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो यही चीज जनता को समझाओ, आपने काम किया है, आप बात को पूरे देश से आप साफ हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं समझा पा रहे हो देश को, वोटरों को क्यों नहीं समझा पा रहे हो आप, वोटरों को क्यों नहीं समझा पा किसी आदमी के लिए, यही चीज आप वोटरों को समझाइए ना, जाके सारी जगह आप साफ हो गए, आप वोटरों को क्यों नहीं समझा पा रहे कि आपने क्या काम किया है? आप इंटरप्ट कर रहे हैं सर, ये वोटरों को समझाइए, हमें समझाने से कुछ नहीं होगा, आप एकदम आपने से बाहर हो जा रहे हैं, आप वोटरों को समझा दीजिए आपने क्या काम किया है, अगर यही चीज आपने समझा दिया होता तो आप, व्यक्तिगत वक्त की कमी है, वक्त इतना ही था, वक्त खत्म हो चुका है, खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में वक्त सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत चर्चा से कोई फायदा नहीं, जनता को समझ में आना चाहिए कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया, जनता सब जानती है, अगर केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया होगा तो फिर से मौका मिलेगा, और अगर पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने काम कम किया होगा या नहीं किया होगा तो फिर जनता उसको भी सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।